हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 कलाकारनी भूल स्टार्ट करेंगे। मूर्तियों बनावनार एक शिल्पी हतो, एनुं नाम तुलमोहन हतो। लोको एने मोहन कहीने ज बोलावता हता। मूर्ति बनाने वाला एक शिल्पी था, उसका नाम तुलमोहन था और लोग उसको मोहन कहकरी पुकारते थे। मोहन अद्भुत अने आबेहूब मूर्तियों बनावतो। ते मूर्तियों जोईने भलभला दंग रही जता। मोहन था वो बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। कोई भी लोग उस मूर्ति को देखता था तो वो आश्चर्यचकित हो जाता था। एक वक्त तेने पोतानी एक मित्रनी मूर्ति बनावेली। मित्रनी मूर्ति जोईने शिल्पीना मामाए मिठाई अपावा माटे मित्रने बजार में लई जवा केटलोय आग्रह कर्यो, पर कई मूर्ति चाले खरी। आखरे मामा ने जाण थई कि आ तो पत्थरनी प्राण वगरनी मूर्ति छे। एक बार मोहन ने उसके एक फ्रेंड की मूर्ति बनाई और वो मूर्ति को देख के मोहन के मामा बोले कि चल हम बाजार में जाते हैं और मैं तुझे मिठाई दिलाता हूँ। लेकिन मूर्ति कभी चलती है। फिर उसको लास्ट में उसके मामा को पता चला कि ये तो एक पत्थर की मूर्ति है। मोहन ने एक वक्त घरना द्वार पास चौकीदार की मूर्ति बनावी मूकी दी थी। ए मूर्ति ने जोई ने मोहन ने त्या चोरी करवा आवेला चोर भागी गया हता। मोहन ने एक बार क्या किया, उसके घर के दरवाजे के पास चौकीदार की मूर्ति बनाई और वो मूर्ति को देख के उसके घर पे जो चोर चोरी करने आए थे वो भी भाग गए। मोहने घना लांबा समय सुधी मूर्तियों बनाव्या करी, आखरे समय जता ए वृद्ध थवा लाग्यो। ए विचारवा लाग्यो कि हवे गमे त्यारे मृत्यु आवशे अने मरवू पड़से। मोहने इसी तरह बहुत लंबे समय तक मूर्तियों बनाई और आखिर में वो बूढ़ा हो गया और वो सोचने लगा अब तो कभी भी मृत्यु आ सकता है और मुझे मरना पड़ेगा। मारे कोई एवं कार्य करी जवू जोईए कि लोग मने वर्षों सुधी न भूले। और वो क्या सोचने लगा कि मुझे कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए जो लोग मुझे बरसों तक ना भूले। विचार करता करता तेने पोताना रूप रंग अने आकार धरावती 10 मूर्तियों बनावी। विचार करते करते उसने अपनी ही 10 मूर्ति मीन्स 10 मूर्ति बनाई। धारी धारी ने बराबर जोईए तो पण मूर्तियों में अने मोहन में कोई तफावत ख्याल में न आवे तेवी कड़ा एनी पासे हती। हम बहुत बारीकी से देखे तो भी हमें पता नहीं चलता कि वो मूर्ति कौन है और मोहन कौन है। एक दिवस मोहन ने रात्रे स्वप्न आव्यु के काले तेनु मृत्यु थवानी छे। तो तेने एक तरकीब विचारी काटी। एक दिन रात को मोहन को सपने में आया कि कल तेरा मृत्यु होने वाला है। तो उसने एक तकनीक विचारी। ए बीजे दिवसे पोतानी बनावेली मूर्तिओनी वचमां उभो रही गयो अने मोहन ने लई आववा यमराजे पोताना दूत ने मोकल्या। दूत मोहन ना घरे आव्यो, जोयु तो एक साथे 11 मोहन उभा छे। दूत ने नवाई लागी। उसने जो अपनी 10 मूर्ति बनाई थी उसके बीच में जाके मोहन खड़ा हो गया और यमराज ने अपने दूत को भेजा था मोहन को लाने के लिए। दूत है वो मोहन के घर पे आया तो वहाँ पे देखा तो एक साथ 11 मोहन थे और दूत को आश्चर्य हुआ। ते साचा मोहन ने ओळखी शक्यो नहीं एटले खाली हाथे यमराजनी पासे गयो। वो मोहन को पहचान सका नहीं इसलिए खाली हाथे यमराज के पास गया। यमराज ने बधी वात करी। दूत ने खाली हाथे पाछो आवेलो जोईने यमराज गुस्से थया। उसने सारी बात यमराज को बोली और दूत को खाली हाथ देख यमराज बहुत गुस्से हुआ। यमराजे कह्यू मूर्ख मोहन एकज छे पण ए बुद्धिशाळी कलाकार छे अने तू एनाथी बनी गयो छे। आपणे देवता छीए, थोड़ी बुद्धि चलाव एटले जीव तो मोहन पकड़ाई जशे। फिर यमराज ने क्या बोला कि मोहन एक ही है लेकिन बहुत बुद्धिशाली कलाकार है और हम देवता हैं। हम थोड़ी बुद्धि यूज करेंगे तो जीव तो मोहन पकड़ में आ जाएगा। एनु आयुष्य पूरु थई गयु छे एटले एने जीवतो राखवानो नथी। उसका आयुष्य है वो खत्म हो गया इसलिए उसको जीवता
जिंदा रखना नहीं है। दूत तो पाछो चाल्यो। मोहन ने दूतना पगलानो अवाज संभळायो। पाछो ए मूर्तिओनी वच्चे जईने उभो रही गयो। दूत है वो वापस गया और मोहन को दूत के पैरों की आवाज सुनाई में आ गई। तो फिर से मोहन है मूर्तियों के बीच में जाके खड़ा हो गया। दूत आ वक्त एक पची एक मूर्ति ने शांति थी जोवा लाग्यो। ए जानतो हतो कि आमा एक जीवतो मोहन छे। दूत है एक के बाद एक मूर्ति को शांति से देखने लगा। उसको पता था इसमें से एक जिंदा मोहन है। जो कि बधी मूर्तियों पर जीवंत ज लागती हती। मोहन पर आँख पटपटावतो न हतो। सारी मूर्ति थी वो जिंदा ही लग रही थी। दूत साव धीमे थी बोलियो, भाई मोहन तू चतुर छो, कलाकार छो, मूर्तियों सर्जवामा निष्णांत छो, पर मूर्ति में एक भूल रही गई। जो कि ए भूल न हो तो तारी बधी मूर्तियों जीवंत लागत, पर ए भूल ने लीधे आ मूर्तियों ने कीमत साव तुच्छ छे। फिर दूत ने क्या बोला कि भाई मोहन तुम बहुत चतुर हो, कलाकार हो और बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो, लेकिन मूर्ति में एक भूल रह गई है। एक वो भूल न हो तो मूर्ति सब जिंदा लग रही थी, लेकिन एक भूल के लिए मूर्ति की कोई भी कीमत नहीं है। मोहन आ बात सांभळी रही शक्यो नहीं। ए एकदम बोली उठ्यो, शी भूल? मोहन ये बात सुनने के बाद तुरंत बोला, कौन सी भूल है इसमें? दूते तरत ज मोहन ने पकड़ी लीधो अने कह्यू, बस आ एक ज भूल छे। अने देवदूत मोहन ने पकड़ी ने लई गयो। जैसे ही मोहन ने बोला क्या भूल है, वैसे ही दूत ने मोहन को पकड़ लिया। और फिर दूत ने क्या बोला, बस यही एक भूल है, और देवदूत मोहन को पकड़कर ले गया। शब्द समझूती, कलाकार, कलानु सर्जन करना, शिल्पी, मूर्तियों बनावनार, आबे हुबहु तादश, द्वार, बारणु, तफावत, भेद, जुदाई, तरकीब, युक्ति, यमराज, मूर्तियों देव, खाली हाथे, कशु लीधा सिवाय, देवता, देव, निष्णांत, निपुण, होशियार, तुच्छ, नजीवु, माल वगरनु, रूढ़ी प्रयोग, बनी जवू, छेतराई जवू। स्वाध्याय, नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर एक एक वाक्य में लखो, वन लाइन आंसर देना है। मोहन केवी मूर्तियों बनावतो हतो? मोहन कैसी मूर्ति बनाता था? मोहन अद्भुत अने आबेहूब मूर्तियों बनावतो हतो। मोहन ने दूध के ओळखी न शक्यो? मोहन को दूध कैसे पहचान न सका? पोताना रूप, रंग अने आकार धरावती 10 आबेहूब मूर्तियों वचमा मोहन उभो रही गयो। आथी साचा मोहन ने दूत ओळखी न सक्यो। उसने अपने जैसी 10 मूर्ति बनाई थी, उसके बीच में जाकर मोहन खड़ा रह गया, इसलिए दूत उसको पहचान सका नहीं। चौकीदार ने मूर्ति जोईने चोर शा माटे भागी गया? चौकीदार की मूर्ति देख के चोर क्यों भाग गए? मोहन ने चौकीदार ने मूर्ति एवी आबेहूब बनावी हती के चोर एने साचो चौकीदार मानी ने त्यांथी भागी गयो। मोहन ने चौकीदार की मूर्ति इतनी अच्छी बनाई थी कि चौकीदार को देख के ही चोर उसको जिंदा मान बैठा, इसलिए वो चौकीदार की मूर्ति को देख के भाग गया। मोहन ने शू स्वप्न जो आव्यू? मोहन को क्या स्वप्न आया? मोहन ने स्वप्न आव्यू कि काले तेनू मृत्यु थवानू छे। मोहन को क्या स्वप्न आया? एक कल उसका मृत्यु होने वाला है। नीचेना प्रश्नों ना उत्तर लखो। यमराजे दूत ने शू कह्यू हतु? यमराज ने दूत को क्या बोला? यमराजे दूत ने कह्यू, मूर्ख मोहन एकज छे, पण एक बुद्धिशाळी कलाकार छे अने तू एनाथी बनी गयो। आपणे देवता छीए, थोड़ी बुद्धि चलाव एटले जीवतो मोहन पकड़ाई जशे। एनुं आयुष्य पूरुं थई गयुं छे एटले એને જીવંત રાખવાનો કોઈ જીવતો રાખવાનો નથી। યમરાજને દૂતને કહા કે મોહન એકી હે પર વો બુદ્ધિશાળી હે ઓર એક કલાકાર હે, આપ હમ દેવતા હે, થોડી સી બુદ્ધિ
यूज करेंगे तो मोहन है वो पहचान में आ जाएगा, उसका आयुष्य खत्म हो गया है इसलिए उसको जिंदा नहीं रखना है। वृद्ध थता मोहने शू विचार्यू, वृद्ध होने के बाद मोहन ने क्या सोचने लगा? वृद्ध थता मोहने विचार्यू कि हवे मृत्यु नजीक छे, मारे कोई एवं कार्य करी जवू जोईए कि लोको तेने वर्षों सुधी न भूले। वृद्ध होते ही मोहन सोचने लगा अब मेरा मृत्यु नजीक है इसलिए मुझे ऐसा कुछ काम करके जाना चाहिए कि लोग मुझे बरसों तक ना भूले। मोहन केवी रीते पकड़ाई गयो, मोहन कैसे पकड़ा गया? दूत फरी थी आव्यो, आ वक्ते ते एक पछी एक मूर्ति ने शांति थी जोवा लाग्यो, पछी मूर्तिओ जीवंत ज लागती हती। मोहने पण आँख पटपटावतो न हतो। दूत धीमे थी बोल्यो, भाई मोहन तू चतुर छो, कलाकार छो, मूर्तिओ सर्जवामां निष्णांत छो, पण मूर्तिमां एक भूल रही गई छे। मोहने एकदम बोली उठ्यो, शी भूल? अने ते पकड़ाई गयो। क्वेश्चन नंबर 3, कलाकार मोहन विषे 4 वाक्य लखो। कलाकार मोहन के बारे में 4 लाइन्स लिखनी है। मोहन एक शिल्पी हतो, एनु खरू नाम तुल मोहन हतु, लोको एने मोहन कहीने ज बोलावता हता, ते अद्भुत अने आबेहूब मूर्तिओ बनावतो हतो, तेणे पोतानी कलानुं अभिमान हतु। क्वेश्चन नंबर 4, नीचेना शब्दोना समानार्थी शब्द लखो, सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। द्वार दरवाजो, वृद्ध घरडो, युक्ति तरकीब, चतुर होशियार, तुच्छ हल्कू, आँख नयन। क्वेश्चन नंबर 5, नीचेना शब्दोना विरुद्धार्थी शब्द आपो, ओपोजिट वर्ड्स, मरेलू जीवतू, युवान करडो, अशांति शांति, मूर्ख समझदार, झड़पी धीमे, आवू जवू। क्वेश्चन नंबर 6, नमूना प्रमाणे शब्दों खाली जगह मां लखो। उदाहरण, पगार पगारदार, चौकी चौकीदार, काम कामदार, धार धारदार, दुकान दुकानदार। क्वेश्चन नंबर 7, नीचेनी शब्द रमतमांथी पाठमां आवता 5 शब्दों शोधो अने वाक्य बनावो। उदाहरण, बराबर तू कहे ये बराबर, चतुर बीरबल खूब चतुर हतो, तरकीब अघरू काम तरकीब थी करी शकाय, देवदूत देवदूत देवोनी आज्ञा ने अनुसरे छे, चोर छेवटे चोर पकड़ाई गयो, कलाकार ईश्वर मकान ईश्वर महान कलाकार छे। क्वेश्चन नंबर 8, तमारा विचार लखो। हूँ शिल्पी हों तो अद्भुत अने आबेहूब मूर्तिओ बनावूँ, मारी बनावेली मूर्तिओ जोईने लोको दंग रही जाए, मारी कलानो उपयोग हूँ कोईने छेतरवा माटे न करूँ, हूँ मारी कला बीजा बाळकोने पण शीखवूँ, मारे बनवू छे शिक्षक, शिक्षक बनीने मारे बाळकोने भणाववा छे, हूँ दरेक बाळकने भणाववामां रस पड़े एवं शिक्षण आपूँ, मारे बाळकोना रमतगमत चित्र संगीत जेवी इतर प्रवृत्तिओमां भाग लेता करवा छे, दरेक बाळक देशनो सारो नागरिक बने एवं शिक्षण हूँ आपवा इच्छू छूँ। क्वेश्चन नंबर 9, तो तमे शुं करो? दूतनी जगह तमने मोकलवामां आवे तो, दूतनी जगह मने मोकलवामां आवे तो हूँ एवो रमूजी टूचको कहूँ कि मोहन हसी पड़े, मोहननी जगह तमे ऊभा हो तो, मोहननी जगह हूँ ऊभो हूँ तो दूतनी मूंझवणथी मनमां हरखाऊँ, मारी कला माटे गौरव अनुभवूँ, परंतु छेवटे हूँ तेनी साथे जवा तैयार थई जाऊँ, हूँ मोतथी डरूँ नहीं। थैंक यू।